यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं मसीह के दृष्टांतों के बारे में और दृष्टांतों के बारे में सीखना चाहते हैं कि उनके क्या भेद हैं और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ज़्यादातर बातें जो हैं दृष्टांतों में की हैं और उसका उद्देश्य था दृष्टांतों में बात करने का कि जो उसके अभिषेक के लोग हैं, जिनको उसने चुना है, जो अभिषेक हैं, जो उसके अपने लोग हैं, वो उस बात को समझ पाएं और उनके जीवन में यीशु मसीह की सामर्थ और उसकी शक्तियां जो हैं वो दिखाई देने पाएं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम यीशु मसीह की उन गुण बातों को जान लेते हैं जो वो हमें समझाना चाहता है या जो बताना चाहता है, तब हमारे जीवन में एक भारी परिवर्तन आता है और हम परमेश्वर की सामर्थ से भरे होते हैं। परमेश्वर की सामर्थ से हम इधर उधर कहीं पर भी जाएं, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ होती है और कार्य करने के लिए और अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ जो होती है वह हमारे संग होती है। परमेश्वर हमारे संग होता है, यीशु मसीह का अभिषेक हमारे ऊपर होता है और यीशु मसीह का जो अभिषेक है वह है पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हमारे ऊपर बना रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ऐसी एक दृष्टांत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा और उस दृष्टांत का नाम है अच्छा पड़ोसी। जी हाँ, आपने देखा होगा, अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि हम मेरा अच्छा पड़ोस नहीं है, हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है। आप किस पड़ोसी की बात करते हैं? आपका पड़ोसी कैसा अच्छा होना चाहिए? आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है, मगर आपके पड़ोसी के लिए क्या आप अच्छे हैं या नहीं, क्योंकि आप दूसरे के पड़ोसी हैं। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि एक अच्छा पड़ोसी में क्या गुण होना चाहिए। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं लूका की इंजील, उसका 10 अध्याय और उसका 25 से 37 पद तक, मगर सबसे पहले हम यहाँ पर 25 और 26 पद देखेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का बारिश होने के लिए मैं क्या करूँ? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तो कैसा पढ़ता है? जी हाँ, जो व्यवस्थापक थे, उस समय के धर्म गुरु थे, वो यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते थे और सवाल जवाब ये नहीं करते थे कि वो कुछ सीखना चाह रहे हों या कुछ जानना चाह रहे हों, बल्कि वो इसलिए करते थे कि किसी ना किसी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात में यीशु मसीह को फंसा सकें। मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो किससे बात कर रहे हैं। जी हाँ, उससे ये पूछने लगे कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? और सिंपल सी बात है,
अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पर 27वें पद में उत्तर देता है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि सबसे पहला प्रेम आपको परमेश्वर से रखना है, और ये प्रेम जो है सिर्फ कह देने से नहीं होता है, बल्कि आपको अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी समझ, सारे सोच, सारे विचारों के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है। आप पर अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि आपकी सोच में परमेश्वर का प्रेम झलकना चाहिए, आपके विचारों में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, आपके प्राणों में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, आपकी बुद्धि से परमेश्वर का प्रेम प्रकट होना चाहिए। जी हाँ, आपके जीवन से परमेश्वर का प्रेम प्रकट होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर का प्रेम हमारी किसी भी बात से प्रकट नहीं होता है तो सोच लीजिए कि परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं है, हम परमेश्वर को प्रेम करते ही नहीं है। जब हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के हमारे जीवन से, हमारे जीवन की हर एक बात से परमेश्वर का प्रेम प्रकट होगा। दूसरी बात वो कहता है कि यदि तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो, पहला पॉइंट यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, और कैसे करें यह मैंने आपको अभी बताया, मगर दूसरा वो कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान, किसी दूसरे के समान नहीं, अपने समान प्रेम कर। अपने समान प्रेम करने का मतलब क्या है? हमें दर्द होता है, हमें उस दर्द का एहसास होता है, हमें अपनी जरूरतों का एहसास होता है, हमें अपने बारे में अच्छे से पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हम अपने लाभ के लिए बहुत सी बातें सोचते हैं, हम अपने लिए बहुत कुछ करने की सोचते हैं। जी हाँ, जैसा हम अपने बारे में अपने लिए सोचते हैं, ऐसे ही हम पड़ोसी के बारे में सोचें। जैसा हमें अपने दुख दर्द का एहसास होता है, ऐसे हमें अपने पड़ोसी के दुख दर्द का एहसास होना चाहिए। जब तक हमें उसके दुख दर्द का एहसास नहीं होगा, और ये सिर्फ एहसास नहीं होना चाहिए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इस दुख, इस दर्द में कोई हमारी सहायता और मदद करे, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है जब हमारे पड़ोसी को कोई दुख या दर्द होता है तो हम उसकी सहायता और मदद करें। जैसे हम अपने लिए किसी की सहायता मांगते हैं, वैसे ही हमें अपने पड़ोसी के लिए भी सहायता करनी चाहिए। यदि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ हमारा पड़ोसी अच्छा है, और आप पड़ोसी के साथ सिर्फ संबंध बनाए हुए हैं आने जाने के, तो मेरे ख्याल से अगर आप उसके दुख और दर्द में खड़े नहीं होते हैं तो आप एक अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह यही इस दृष्टांत में बताना चाहता है कि क्या उसने एक दृष्टांत कहा बहुत प्यारा कि मेरा पड़ोसी कौन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 28वें पद में, उसने उससे कहा, तू ठीक ही उत्तर दिया है, यही तू कर तो जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए उसने दूसरा सवाल किया। पहला सवाल कि आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, दूसरा सवाल वो करता है कि मेरा पड़ोसी है कौन। अब इसको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि मेरा पड़ोसी कौन है, आपका पड़ोसी कौन है। आज बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, ये बात सही है जो ये व्यवस्थापक ने जो प्रश्न किया है, आज ये प्रश्न अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाकर करें, जो बहुत बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी हैं, उनमें जाकर पूछें कि उनका पड़ोसी कौन है, उनको नहीं मालूम रहेगा। कई वर्षों से वो उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, आमने सामने घर हैं, परंतु वो उनके उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो एक दूसरे के बारे में जानते नहीं हैं, एक दूसरे से परिचय नहीं है, जबकि वो पड़ोस में रह रहे हैं। बड़ी अजीब बात है इस दुनिया की, बड़ी अजीब बात है इस अंत समय के लोगों की, कि वो एक दूसरे को समझते ही नहीं है, एक दूसरे को जानना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जो सवाल किया गया है ये आज के ज़माने के लिए बिल्कुल सटीक सवाल है कि मेरा पड़ोसी है कौन, कौन है आपका पड़ोसी? क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हैं? नहीं जानते शायद आप अपने पड़ोसी को, या आप जानने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं, और यही कारण है कि इंसान आज के इस दौर में बिल्कुल अकेला रह गया है। हर एक इंसान अकेला है, हर एक इंसान को अपने अकेलेपन का एहसास होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने उसको एक दृष्टांत सुनाया, और क्या दृष्टांत सुनाया? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यहरू की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। जी हाँ, एक व्यक्ति यरूशलेम की ओर जा रहा था, यरूशलेम से यहरू की ओर जा रहा था कि रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया, और डाकुओं ने जब उसे घेर लिया, उसे बहुत मारा कूटा,
अधमरा सा कर दिया। डाकुओं का काम ही क्या होता है, डाकू कहीं पर भी मिल सकते हैं, कहीं पर भी वो घेर कर आपको लूट पेट लेते हैं। आप उस समय समझ सकते होंगे यदि आपको किसी ने लूटा होगा, यदि आपको किसी ने बेवजह मारा होगा, यदि आपको मारकर अधमरा कर दिया होगा और आपका सारा सामान लेकर चले गए होंगे, तो आपको ये पता होगा कि उसका दर्द क्या होता है। वो सड़क पे पड़ा हुआ है, कोई भी उसकी सहायता और मदद करने वाला नहीं है, वो लहू लुहान है, उसके पास से सारी चीजें छीन ली गई हैं। आप पूछिए उस शख्स से जाकर जिसको ट्रेन में या बसों में नशा पिलाकर उनको लूट लिया जाता है और उनको तीन तीन दिन के बाद होश आता है। जब उनको होश आता है और वो अपनी स्थिति को देखते हैं तो कितना दर्द, कितना दुख होता होगा, उनके घर वालों को कितना दुख और कितना दर्द होता होगा। उनसे जाके पूछें, ये स्थिति जो थी इस व्यक्ति की थी जिसको डाकुओं ने लूट लिया। ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, ये बहुत परेशान हालत में है, अधमरा है, हो सकता है अगर कोई इसको डॉक्टर के पास ना पहुंचाए तो मेरे ख्याल से वो मर सकता है। आज जब हम देखते हैं सड़कों पे बहुत से लोग एक्सीडेंट में पड़े हुए रहते हैं, बहुत से लोग दर्द से तड़प रहे होते हैं, हम उनको देखते हैं और चले जाते हैं। हमारी इंसानियत जो होती है वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, हमारी इंसानियत जो है वहाँ पर समाप्त हो जाती है। हम इंसानों की कैटेगरी से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि हमारे पास इंसानियत होती नहीं है और लहूलुहान व्यक्ति को छोड़ जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं जो उसके पास से गुजरे और निकल गए। मैं बताना चाहूँगा कि कैसे परमेश्वर का वचन बताता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, 31 पद को पढ़ रहा हूँ। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। एक याजक, याजक का काम क्या होता है? परमेश्वर की आराधना करना। याजक का काम होता है परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना। याजक का काम होता है कि वो परमेश्वर की वेदी पर बहुत से बलिदानों को चढ़ाना। याजक का काम होता है बहुत से लोगों के दुख और दर्द की प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर से निवेदन करना। मगर ये याजक जिसके हृदय के अंदर दया भावना नहीं है, जो परमेश्वर की वेदी पर खड़ा होता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि दया करो कि तुम पर भी दया की जाएगी, परंतु उसके सोच और उसके विचारों में ये कोई बात नहीं होती है, वो कैसा याजक है, कैसा प्रभु का सेवक है? वो उस प्रभु का सेवक है, उस परमेश्वर का सेवक है जो सबके ऊपर दया करता है, वो अच्छों के ऊपर भी और बुरों के ऊपर भी दया करता है। परंतु ये उसका सेवक होकर भी इसके अंदर दया नहीं है और ये कतरा कर चला जाता है। आज हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, धर्मी भी हैं और अधर्मी भी हैं। जब सड़क पे किसी को पड़ा हुआ देखते हैं, जब सड़क पे किसी को पड़ा हुआ तड़पता हुआ देखते हैं, तो हम भी कतरा कर चले जाते हैं। हम झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम परेशानियों में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम सोचते हैं कौन इसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाए, कौन इसकी सहायता और मदद करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सोचें, इस बात को सोचें कि उसकी जगह पर यदि हम होते और हमारे साथ लोग ऐसा व्यवहार करें तो हमें कैसा लगता? शायद बुरा लगता, शायद नहीं, बुरा ही लगता। जी हाँ, हमें बुरा ही लगता। मगर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि यदि आपको बुरा लगता, कोई आपकी सहायता मदद नहीं करता, आप उस व्यक्ति की जगह, आप अगर सड़क पे पड़े हुए तड़प रहे होते और आप पुकार रहे होते सहायता के लिए, कोई आपको नहीं सुनता, तो कैसा लगता? इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप पर दया की जाए, आपके ऊपर परमेश्वर की दया होने पाए, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप भी दूसरों के ऊपर दया कीजिए। अपनी दया को दूसरे के ऊपर उंडेलिए, अपनी दया को दूसरे के ऊपर निछावर कर दीजिए, ताकि परमेश्वर जब आपकी ऐसी स्थिति, पहली बात तो परमेश्वर आने नहीं देगा, और यदि आ भी जाएगी तो परमेश्वर की दया आपको बचा लेगी। यहाँ पर यह याजक है जो परमेश्वर का भक्त है। यहाँ पर एक और व्यक्ति है जो इसके पास से निकला। परमेश्वर का वचन बताता है कि इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। जी हाँ, अब यहाँ पर एक लेवी भी था, वो भी धर्म का ठेकेदार, उसने भी उस व्यक्ति को देखा और वो भी कतरा कर चला गया। ये सब धार्मिक लोग हैं, बहुत से धार्मिक लोग हैं, अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हैं, अपनी धार्मिकता का बखान करते रहते हैं, अपनी धार्मिकता के बारे में चर्चा करते रहते हैं, परंतु धार्मिकता उस समय देखने को मिलती है जब उसकी जरूरत होती है। ये धर्म का काम था
कि कोई व्यक्ति लहूलुहान सड़क पे पड़ा हुआ है, वो अंतिम सांसें ले रहा है, उसको बचाया जा सकता है, उसको डॉक्टर के पास पहुंचाया जा सकता है। आपके पास साधन है, आप देख रहे हैं, आप जा सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप उसे बचा सकते हैं। परंतु आप उसे नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि आप धर्मी व्यक्ति दिखावे के लिए हैं, आप धर्मी नहीं है। आपके अंदर धर्म के काम करने की सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। सिर्फ सांसारिक तौर से आप ये दिखाने की, ये शो करने की कोशिश करते हैं कि हम धर्मी लोग हैं, मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, धर्म का काम दिखाया नहीं जाता। परमेश्वर कहता है धर्म का काम जो है वो ये है कि दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मदद करें, वो धर्म का काम है। अनाथ और बेसारे और विधवाओं की मदद करें, वो धर्म का काम है। जब इस तरीके के धर्म के काम करते हैं, जब इस तरीके के धर्म के काम हमारे जीवन से होते हैं, तब परमेश्वर बहुत सी आशीष देता है। तब वो जानता है कि हाँ, सही में ये धर्मी व्यक्ति है। आपने प्रार्थना कर ली, आपने गाने गा लिए, कुछ झूम झूम कर गा लिए, नाच नाच कर गा लिए, आपने थाली बजा बजा कर गाने गाए, आपने पुलपिट के पे खड़े होके बड़ी बड़ी गवाहियां देने लगे, आप रोजाना चर्च जाने लगे, आप चर्च में भाग ले रहे हैं, परंतु यदि आप किसी के ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, यदि आप किसी जो परेशानी में फंसा हुआ है उसको परेशानी में नहीं निकाल रहे हैं, तो ये सब कुछ आपका धरा का धरा रह जाएगा। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं भक्ति, ये सब भक्ति दिखावे की है, और परमेश्वर ऐसी भक्ति से खुश नहीं है। परमेश्वर खुश होता है, चाहे आप परेशानी में फंसे, चाहे कैसे भी, आपको दूसरे के ऊपर दया करना चाहिए, क्योंकि मत्ती 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। जी हाँ, जब आप दूसरे पर दया करेंगे, तब परमेश्वर की दया हम पे प्रकट होती है। जब हम परेशानी मुसीबत में फंसते हैं, जब हम चिल्लाते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, हमारी मदद के लिए कोई क्यों नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम दूसरे की मदद के लिए नहीं आए, हमने उसकी मदद नहीं करी। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, एक व्यक्ति और था जो आया, यहाँ 33वां पद पढ़ रहा हूँ, परंतु एक सामरी स्त्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यहाँ पर एक सामरी व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति, एक छोटी जाति का व्यक्ति, जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, जिसको लोग कुछ समझते नहीं हैं, वो व्यक्ति जब उस मार्ग से निकला, उसने उस व्यक्ति को पड़ा हुआ देखा, तो उसने तुरंत उसे उठा लिया, तुरंत उसे उठाया, उसकी मलम पट्टी करी और उसको अपनी सवारी पर लाद कर एक सराय में ले गया, और सराय में जितने दिन तक वो रुका, उसकी सेवा टहल करता रहा, उसकी वो मदद करता रहा। वो उसका कौन था? ना वो उसका भाई था, ना उसका कोई रिश्तेदार था, ना ही उसका कोई मिलने जुलने वाला था, ना ही उसके साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति था। वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो उस व्यक्ति को जानता भी नहीं था, वो व्यक्ति जो अधमरा पड़ा था वो भी उसको नहीं जानता था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज़रूरी नहीं है कि किसी की मदद करने के लिए हमें उसको जानना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। हमें उसे जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि वो किस हालत में है। अगर वो इतनी बुरी दशा में है, उसके हालात गंभीर हैं, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। हमें मुंह मोड़ के नहीं जाना, अरे हमारा थोड़ी है, अरे हम थोड़ी जानते हैं इससे, हमारा क्या लेना देना है इससे। आप किसी अनजान जगह में जा रहे हों और आपके साथ अगर यह हादसा हो जाए और ऐसे ही लोग निकल जाएँ, तो आपका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, आपका जीवन तो समाप्त हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? आपके किसी प्रियजन का जीवन ऐसे समाप्त हो सकता है, तब आपको कितना दुख लगेगा, कितनी मुसीबत होगी कि कोई भी उस शहर के अंदर, जिस शहर में मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरा मिलने वाला गया, और उस शहर में कोई भी मदद के लिए मेरे बेटे और बेटी के पास नहीं आया। आप सोचिए, बहुत से हादसे हो जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड में एक्सीडेंट होते हैं, और बहुत से लोग खून से लथपथ पड़े रहते हैं। उस समय अगर उनकी सहायता के लिए कोई ना आए, और उसमें कोई भी आपका कोई भी प्रियजन हो और उनको सहायता ना मिले, तो आप क्या कहोगे?
क्या उस शहर के अंदर कोई ऐसा नहीं था? क्या उस शहर के अंदर जो प्रशासन है उसको ये दिखाई नहीं दिया कि उनकी सहायता मदद की जाए? क्या पुलिस को ये दिखाई नहीं दिया? क्या और लोगों को यहाँ दिखाई नहीं दिया? या जिस गांव के पास में, या जिस कॉलोनी के पास में, या जिस शहर के पास में वो हादसा हुआ, उन शहर के लोगों को, उस कॉलोनी के लोगों को, उस गाँव के लोगों को क्या ये दिखाई नहीं दिया? क्या उस गाँव के लोगों में दया भावना नहीं थी? क्या उस शहर के लोगों में दया भावना नहीं थी? क्या उस कॉलोनी के लोगों में दया भावना नहीं थी? हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दया भावना तो उनमें थी या नहीं थी, परंतु यदि दया भावना आप में होती तो आप पर भी दया की जाती। यहाँ पर इस सामरे व्यक्ति है, यहाँ पर ये दया उसके ऊपर प्रकट कर रहा है, और उसको जो है बहुत कुछ वो ट्रीटमेंट उसने उसको दिया। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वे मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। एक एक बात इस व्यक्ति की सोचिए, एक एक बात को देखिए। वो व्यक्ति उसे उठाकर उसकी मरहम पट्टी करके पहले उसने वहां पर की, और उसके बाद उसे अपनी सवारी पर उठाकर उसे सराय तक पहुंचाया, और वहां पर वो जितने दिन भी रहा उसने उसकी मदद करी, और जब वहां से चलने लगा तो उसने सराय के मालिक को 2 दमड़ी दी, दिनार दिए कि तू इसकी सहायता मदद करना, अगर तेरा कुछ और भी खर्च होगा तो मैं आकर दे दूंगा, तू इससे मत लेना, क्योंकि इसका तो सब कुछ लूट लिया गया है, इसका तो सब कुछ चला गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो ऐसी बातें कहकर वो व्यक्ति अपने वहां से चला, और परमेश्वर का वचन यहां कहता है, अब तेरी समझ में जो डाकों से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? प्रभु यीशु मसीह से यह सवाल पूछा गया था ना कि आखिर मेरा पड़ोसी है कौन? यीशु मसीह ने उसे एक दृष्टांत सुनाया, ये दृष्टांत आपने सुना, अब आप बताइए कि उसका पड़ोसी कौन रहा? जी हाँ, उसका पड़ोसी वो रहा जिसने उसकी समय पर मदद करी। आज यदि आप किसी की भी समय पर मदद करते हैं, जिनको आपके मदद की जरूरत है, जिनको आपकी इच्छाओं की जरूरत है, आप उसके सही माने में पड़ोसी ठहरते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप उसकी समय पर जिसको मदद चाहिए वो मदद नहीं करते हैं, तो चाहे आप कितना भी पड़ोस में रह रहे हों, आप उसके पड़ोसी नहीं हो सकते। उसके पड़ोसी बनने के लिए हमें उस तरीके से बनना है जैसा यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत में कहा। कौन सा व्यक्ति पड़ोसी रहा? उसने जिसने उसकी मदद करी। उसने अपने पैसे को नहीं देखा, उसने अपने समय को नहीं देखा, उसने, हो सकता है वो कहीं और आगे यात्रा को जा रहा हो, उसने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया, परंतु किसके लिए? उसके लिए। कभी कदार जब हम किसी की मदद के लिए पहुंच जाते हैं, हमें ज़रूरी काम से जाना होता है, और जब हम अपने ज़रूरी काम को छोड़कर किसी की मदद करने लगते हैं, तो ज़रूरी काम का फ़ायदा परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं देता है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम एक अच्छे पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाएं, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही पड़ोसी बनने की कोशिश करें। और एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए हमें क्या चाहिए? कि हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर एक दया भावना होनी चाहिए। तो वो दया जब हम अपने पड़ोसी के ऊपर प्रकट करते हैं, उसकी मुसीबतों में, उसके परेशानियों में, उसकी उलझनों में, तब हम एक अच्छे पड़ोसी साबित होते हैं। अगर ये चीज हमारे अंदर नहीं है तो हम एक अच्छे पड़ोसी कदापि भी नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, वो पूछना चाहता है, आज भी यही सवाल खड़ा है कि किसके पास अच्छा पड़ोसी है? क्या आप किसी के अच्छे पड़ोसी हैं, या आप किसी के पड़ोसी अच्छे हो सकते हैं या नहीं? यदि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम एक अच्छे पड़ोसी साबित नहीं हो सकते हैं, तो हम परमेश्वर के जन कैसे साबित हो सकते हैं? परमेश्वर के लोग हमेशा जहां कहीं गए हैं वहां पर वो उन्होंने अच्छे ही साबित किया है, चाहे एक पड़ोसी के रूप में हो, चाहे एक पिता के रूप में हो, चाहे किसी के भी रूप में हो। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य निभाएं और एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करें। यहां पर परमेश्वर का वचन यही सिखाता है और आगे लिखता है, उसने उससे कहा, वही जिसने उस पर दया की है, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसे ही कर। वो कहता है कि तुम भी ऐसे ही करो। जब हम भी ऐसे ही करते हैं तो हम एक अच्छे पड़ोसी साबित होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम एक अच्छा पड़ोसी बने, ताकि प्रभु की आशीषें और प्रभु की दया हम पर प्रकट हो सके। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं,
और अपनी सामर्थ्य प्यारे प्रभु जी तू हम पर उंडेलता है, इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ताकि हम एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे पिता साबित हो सके, और प्यारे प्रभु जी तेरे एक अच्छे सेवक साबित हो सके, तेरी एक अच्छी भेड़ साबित होने पाए। ऐसा अभिषेक, ऐसी आशीष तू हमें दे। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना करें और इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है और जो एड्रेस है, आप उसके द्वारा हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। धन्यवाद।